नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अचारी चिकन मसाले की रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरीके से आप एक बार ये चिकन बना के ज़रूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे आधा किलो चिकन। चिकन अब अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो डाल देंगे हम यहाँ पे 4 चम्मच दही, और कम से कम हम चिकन को 1 घंटे मैरिनेट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम रेसिपी शुरू करेंगे। डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, 1.5 चम्मच हम डालेंगे रेड चिली पाउडर, तीखा आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर, और डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। हल्दी डालेंगे हम 1/2 चम्मच, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन में मैंने अच्छे से मसाले मिक्स कर लिया है। अब हम ढक के 1 घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे, उसके बाद हम रेसिपी शुरू करते हैं। 1 घंटे बाद अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच काली वाली सरसों, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 4 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे हम साबुत जीरा, 1/4 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे मेथी के दाने, 1 चम्मच साबुत धनिया, और 1/4 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कलौंजी। अब हम हल्का 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे सभी मसालों को, और मसाले को हम पूरी तरीके से पहले ठंडा करेंगे, फिर हम पाउडर तैयार करेंगे। तो गैस का फ्लेम लो करके हम बीच बीच में इस तरीके से चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। मसाले हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम पैन में से निकाल लेंगे मसाले को, और पूरी तरीके से जब ठंडा हो जाए तब हम मिक्सी के जार में डाल के पाउडर तैयार कर लेंगे। पैन में हम डालेंगे 5 चम्मच तेल, और तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब गरम हो जाए हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच काली वाली सरसों, साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच साबुत जीरा। जीरा और सरसों जैसे ही हमारा फ्राई हो जाए हम यहाँ पे डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ा करके। प्याज को हम कलर चेंज हो जाने तक फ्राई करेंगे। डालेंगे हम यहाँ पे करी पत्ते। गैस का फ्लेम हाई करके प्याज के कलर चेंज हो जाने तक हमें फ्राई करना है। 2 सूखी लाल मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन डालने के बाद हम 2 मिनट और फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद 2 मिनट भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे चिकन। चिकन डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके हम 2 से 3 मिनट पहले चिकन को खोल के भूनेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें चिकन को भूनना है। चिकन को मैंने हाई फ्लेम में 2 मिनट भून लिया है। अब हम डाल देंगे जो हमने मसाले भून के रखे थे। 1 चम्मच हम बचा देंगे, लास्ट में ऐड करेंगे। मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, और पैन को कवर कर देंगे हम 10 मिनट के लिए। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम पैन को कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे, और बीच में खोल के आप 1 से 2 बार चेक भी करते रहिएगा, जिससे चिकन नीचे ना जले। 10 मिनट बाद चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है।
अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी, जो हमने इसमें ड्राई मसाले ऐड किया है, अचारी मसाले। बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है चिकन से। तो जब चिकन अच्छे से इस तरीके से भून जाए, साइड से तेल अलग दिखने लगे, तब हम डाल देंगे यहाँ पे करीब आधा कप पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। एक बार हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके हम चिकन को ढक के पकाएंगे 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और ढक देंगे हम 15 मिनट के लिए, जब तक चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 15 मिनट बाद चिकन हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हम डाल देंगे जो हमने एक चम्मच मसाले बचा के रखा था, और थोड़ा सा हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो हमारे अचारी चिकन बन के तैयार है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और चिकन को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। और आप देख सकते हो, ये देख के कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और ये चिकन अचारी रोटी चावल दोनों के साथ ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, चिकन को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ये चिकन अचारी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।